हेलो दोस्तों, वेलकम टू इंजीनियर्स आर्ट बॉक्स। और आज हम करेंगे इस डायमंड पेंटिंग की अनबॉक्सिंग और इस पेंटिंग को कंप्लीट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको रैपर से निकाल कर आपको दिखाती हूँ कि क्या क्या इसके अंदर आइटम्स हमें मिले हैं और इस पेंटिंग का ओवरऑल लुक कैसा है। तो आप सबसे पहले देख रहे हैं, यहाँ पर हमें एक ट्रे, वैक्स और एक पेन मिला है, जिससे हम अपने ड्रिल्स को पिक करते हैं और अपनी पेंटिंग पर लगाते हैं। तो ये जो ट्रे है, इसकी क्वालिटी ओके है। और ये है हमारा वैक्स, जो हम अपने पेन के निप पर लगाएंगे और फिर उसके थ्रू हम ड्रिल्स को पिक करेंगे। तो ये सारे जो डायमंड्स हैं, इनके पैकेट्स हैं जो हमें मिले हैं इस पेंटिंग के अंदर। इस पेंटिंग में जितने भी कलर्स यूज़ होने वाले हैं, वो सारे के सारे कलर्स हमें इस पैकेट के अंदर मिले हैं, जिससे आपको पता चलेगा हमारी पेंटिंग कितनी कलरफुल होने वाली है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, हर पैकेट के ऊपर नंबर है और इसके अंदर मुझे 4 पैकेट्स मिले हैं ब्लैक कलर के, क्योंकि इस पेंटिंग में सबसे ज़्यादा ब्लैक कलर यूज़ होने वाला है। आप देख सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट कलर्स हैं यहाँ पे। टोटल पैकेट्स जो हैं वो 22 हैं, क्योंकि इस पेंटिंग में 22 कलर्स जो हैं वो यूज़ होने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं, इस पेंटिंग का साइज़ है 30x40 और ये डायमंड पेंटिंग है, फुल डायमंड पेंटिंग है। ये हाफ या पार्शियल जो है वो डायमंड पेंटिंग नहीं है। और इसका आप स्टिकी सरफेस भी देख सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, टोटल 22 नंबरिंग है यहाँ पे, मतलब 22 कलर्स यहाँ पर इस पेंटिंग में यूज़ हो रहे हैं। मैक्सिमम एरिया जो है वो ब्लैक स्टोन्स कवर करेंगे, तो हम ब्लैक स्टोन से ही स्टार्ट करते हैं। मैं थोड़ा सा यहाँ पे जो ऊपर की शीट है उसे कट कर लूँगी। जितने जितने पोर्शन में मुझे काम करना है, मैं उतना उतना पोर्शन शीट का कट कर लेती हूँ। तो सबसे पहले हम जितने भी ब्लैक है यहाँ पे इस पेंटिंग में, वो एरिया कवर कर लेंगे, क्योंकि मैक्सिमम वही पार्ट है। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको प्रोसेस का स्पीड अप करके दिखा रही हूँ। ये मेरी एक्चुअल स्पीड नहीं है, क्योंकि ये पेंटिंग बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है। तो अप्रॉक्स 18+ आवर्स लगे हैं मुझे। तो मैं आपको अपना काम 18+ आवर्स का इस वीडियो में दिखा रही हूँ। कंप्लीट है ये वर्क, पूरी वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। बहुत मेहनत लगी है इस वीडियो को बनाने में और इस पेंटिंग को ख़त्म करने में भी। और अगर आप पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और अगर आप पहले भी देखते रहे हैं और आपने मेरा चैनल जो है वो सब्सक्राइब अभी तक नहीं करा है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे अपना सपोर्ट शो करें। ये पेंटिंग्स आप अपने दोस्तों को भी गिफ्ट कर सकते हैं, अपनी फैमिली में भी गिफ्ट कर सकते हैं। और अगर आपको आर्ट का शौक़ है बट आपको कोई भी आर्ट नहीं आती है, आप बिगनर हैं, तो आप इससे भी स्टार्ट कर सकते हैं। इस आर्ट के लिए किसी भी स्किल्स की ज़रूरत नहीं है। सिंपल आपको सिंबल्स मैच करने होते हैं पेंटिंग पे, और कलर मैच करके आप वहाँ पर इन ड्रिल्स को लगा सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी है और इससे आपका फोकस भी बढ़ता है और आपका माइंड भी रिलैक्स होता है और आप इस कंप्लीट प्रोसेस को एंजॉय भी करते हैं। तो आप अपनी फैमिली में, अपने बच्चों को, अपने फ्रेंड्स के साथ ये एक्टिविटी कर सकते हैं।
दोस्तों अभी हमने एक साइड के ब्लैक ड्रल्स कंप्लीट करे हैं, अब हम दूसरी साइड से स्टार्ट कर रहे हैं ब्लैक ड्रल्स को, और हम इसे भी कंप्लीट करेंगे और उसके बाद हम जो और कलर्स हैं उन्हें पिक करेंगे। तो अब आप देख सकते हैं दोस्तों, मैंने इसके सारे जो ब्लैक ड्रिल्स थे वो कंप्लीट कर लिए हैं, और अब मैं जो नेक्स्ट कलर है हमारा, मैं उससे स्टार्ट कर रही हूँ। ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग पेंटिंग होती है, बेसिकली इसे फिनिश करने में उतना मज़ा नहीं आता जितना इसके कंप्लीट करने के प्रोसेस में आता है। तो बेसिकली आप इसे जब वर्क कर रहे होते हैं इसके ऊपर, तो वो प्रोसेस काफ़ी सूदिंग होता है, काफ़ी रिलैक्सिंग होता है, और अगर आप स्ट्रेस में हैं या परेशान हैं तो आप इस पेंटिंग को ज़रूर एक बार ट्राई करें। आप बहुत ही रिलैक्स फील करेंगे और आपका एक मास्टरपीस भी रेडी हो जाएगा, और इसे आप एज़ अ फन एक्टिविटी भी अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं। जैसे कि लॉकडाउन चल रहा है और घर में बच्चे बहुत ही बोर हो रहे होते हैं, और पेरेंट्स को भी समझ नहीं आता है कि अब हम उनके साथ क्या गेम्स खेलें, तो आप उनके साथ कुछ ऐसे DIY प्रोजेक्ट्स भी कर सकते हैं, कुछ क्रिएटिव एक्टिविटी, जिससे उनका ब्रेन भी डेवलप होगा और उनका फोकस भी बढ़ेगा और एक अच्छा हेल्दी बॉन्ड भी बनेगा। और इस पेंटिंग में डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स भी आते हैं, लाइक लैंडस्केप भी होता है, कार्टून्स के भी होते हैं, फ्लावर्स के भी होते हैं, तो आप उनमें डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें भी ट्राई कर सकते हैं। A few moments later. तो आप देख सकते हैं अब हमारी पेंटिंग जो है वो फिनिशिंग की तरफ बढ़ चुकी है, तो हमारे सिर्फ 2-3 कलर्स ही रह गए हैं जो हमें फिलअप करने हैं, और जल्दी हमारी पेंटिंग जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो फाइनली आप देख सकते हैं दोस्तों, हमारी पेंटिंग जो है वो कंप्लीट हो गई है, और कितनी ब्यूटीफुल लग रही है, कितनी स्पार्कलिंग है इसके अंदर आप देख सकते हैं। ये डायमंड्स पे लाइट रिफ्लेक्ट करती है तो बहुत अच्छा इम्पैक्ट आता है।